रोज एक लड्डू, कैल्शियम की कमी, ज्वाइंट पेन, कमजोरी खत्म, जो चल नहीं सकता वो दौड़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी। जैसा कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस बरसात के मौसम में पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द उभर आते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरह की अनेकों परेशानियां शुरू हो जाती है, खास करके बच्चों में। जैसे में आप इस सुपर हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू को खाकर आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हो। इस लड्डू को खाने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, साथ ही साथ ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, शरीर की कमजोरी इस लड्डू को खाने से दूर होगी, थकान आलसपन दूर होगा, आपका शरीर हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेगा, ताकत बढ़ेगी, बीपी नॉर्मल रहेगा और स्किन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हरे मूंग के लड्डू के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से इस लड्डू को हम बनाने वाले हैं, तो आइए बिना देर के जानते हैं इस लड्डू को बनाने की विधि के बारे में। दोस्तों, इस लड्डू को बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम हरा मूंग, 100 ग्राम नाचनी का आटा। नाचनी, जिसे कई जगहों पर मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं, इसे अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहा जाता है। ये आपको आसपास किसी भी किराने के शॉप पर मिल जाएगा, कहीं ना मिले तो इसे आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। इसके अलावा चाहिए होगा 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम शुद्ध देशी गाय का घी, 250 ग्राम गुड़ और एक चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ दोस्तों यही जो अदरक का सूखा हुआ भाग होता है, इसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं। और साथ में हम 40 से 50 ग्राम की मात्रा में ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम मूंग को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी कि इसे हम बिना तेल घी के भून लेंगे। इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनना है। हरा मूंग दोस्तों हमारे हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं। जिनके शरीर में विटामिन प्रोटीन की कमी है, बाल झड़ते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं, शरीर में बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, तो इसमें हरा मूंग बड़े ही कमाल का काम करता है। आज हम जो लड्डू बनाने जा रहे हैं उसे डिलीवरी के बाद बच्चे की माँ को खिला सकते हैं। इससे माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, उन्हें किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता ही है जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो 100 साल तक हेल्दी लाइफ जीते थे। ना तो उनके जल्दी बाल झड़ते थे, ना ही उनके दांत टूटते थे, ना ही जोड़ों में घुटनों में कभी दर्द हुआ करता था। दोस्तों, उनके इतना तो नहीं पर उनके बताए गए रास्तों पर चलकर हम सभी स्वस्थ हैं, यानी कि हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये जो हम हरा मूंग का लड्डू बना रहे हैं ये हमारी दादी नानियों द्वारा आजमाया हुआ रेसिपी है, जिसे खाकर वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। ये आप देख सकते हैं मूंग बिल्कुल सुनहला भून गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे अलग बर्तन में रख देते हैं। मूंग ठंडा हो रहा है तब तक गेहूं का आटा भून लेते हैं। दोस्तों, हम आटे को सूखे कढ़ाई में धीमी आंच पर भूनेंगे, इसमें तेल घी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसे लगातार चलाते हुए आटे को सुनहला होने तक भून लीजिए। आटा भूनते हुए ही हम इसमें एक चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे और आटे के साथ थोड़ा भून लेंगे। 5 से 6 मिनट में आटा बिल्कुल सुनहला भून गया है, इसे भी आपको धीमी आंच में ही भूनना है। भूनने के बाद इसे अलग बर्तन में निकालकर रख लीजिए। अब कढ़ाई में घी डालेंगे और नाचने के आटे को भी धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनेंगे। चलाने में देखिए परेशानी हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बचा हुआ घी है सारा घी इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब अच्छे से आप चला पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितनी क्वांटिटी में आपको बताया हूँ है ना, बाकी सामग्रियों का, बाकी इंग्रेडिएंट का, उतना सामग्री आप यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर 100 ग्राम ही घी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर किसी भी तरह से घी ज़्यादा डाल दिया आपने तो लड्डू बांधने में परेशानी होगी, और अगर घी ज़्यादा हो जाए तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लड्डू बांधने में परेशानी हो तो क्या कीजिएगा, जितना ज़रूरत है उतना नाचनी का या फिर गेहूं का आटा सूखा भून लीजिए और लड्डू बनाने की सामग्री में मिक्स कर दीजिए। इस तरह से लड्डू आसानी से बन जाएगी। नाचनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि नाचनी को मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। नाचनी में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है।
छह महीने के बाद छोटे बच्चों को नाचनी के आटे का हलवा बनाकर खिलाया जाता है, इसलिए क्योंकि बच्चों को खिलाने से बच्चों की ग्रोथ में मदद मिलती है। अगर कोई भी बच्चा बहुत कमजोर हो, दुबला पतला हो, तो सिर्फ एक सप्ताह तक नाचनी के आटे का माल्ट बनाकर उसे पिला दीजिए। कितना भी कमजोर कोई क्यों ना हो, वो स्वस्थ हो जाएगा। बच्चे हो या बड़े, सभी की बात कर रहा हूँ। किसी न किसी तरीके से नाचनी को हमारे खान पान में शामिल करना ही चाहिए। देखिए, नाचनी का आटा बिल्कुल सुनहला भून गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। आइए अब ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं। इससे दोस्तों लड्डू क्रंची और स्वादिष्ट हो जाता है। तो फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर ड्राई फ्रूट को डालेंगे और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर सुनहला भून लेंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट हमारा भून गया है। अब मूंग को जो भून कर हमने रखा था उसे मिक्सर में पीस लेते हैं। मूंग को हमने पीस लिया है देखिए, और नाचनी का आटा हमने जो भून रखा है उसके पास चलते हैं। देखिए, ठंडा होने की वजह से थोड़ा जम सा गया है। इसमें पीसा हुआ मूंग डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला देते हैं। नाचनी और मूंग के मिक्सचर को एक बड़े बर्तन में रख लीजिए और फिर ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा कूट कर इसमें डाल दीजिए और मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आइए अब गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। कढ़ाई में आधा गिलास पानी डालेंगे और उसके बाद गुड़ डालेंगे। अब गुड़ को उबलने देंगे। जब गुड़ उबल जाए और घुल जाए तो उसे छन्नी में छान लेंगे ताकि गुड़ में जो भी कचरा हो वो निकल जाए। और फिर गुड़ के घोल को कढ़ाई में डालेंगे और धीमी आंच में इसे उबलने देंगे आराम से। देखिए, गुड़ उबल गया है। अब गुड़ को हम जांच करेंगे कि ये पका है या नहीं। तो हम इसके लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इस पानी में चाशनी के कुछ बूंदे टपकाएंगे। चाशनी को पानी में डालने के बाद घोला नहीं है, यानी कि चाशनी तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर में डालेंगे और गुड़ के साथ मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। चाशनी मिलाने के बाद मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब इस तरह से गोल गोल आप लड्डू बना लीजिए। लड्डू में डाली गई सारी ही चीजें हेल्दी है, इसलिए आप पूरे परिवार के साथ इस हरे मूंग का लड्डू एंजॉय कर सकते हैं। लड्डू बांधने के बाद किसी एयर टाइट डब्बे में भरकर इसे रख लीजिए। आप इसे 15 दिनों तक बाहर रख सकते हैं, नहीं तो आप फ्रिज में रख लीजिए। फ्रिज में रखने से आप लगभग एक महीने तक इस लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस लड्डू को किस तरह से आपको खाना है। आप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो रोजाना एक लड्डू दीजिए सुबह के समय में, और लड्डू खाने के बाद एक गिलास दूध उन्हें दे दीजिए। दूध जरूर दीजिएगा, इससे लड्डू की ताकत दोगुनी बढ़ जाएगी, इससे शरीर और भी हेल्दी हो जाएगा। अगर बड़े से खा रहे हैं तो दो लड्डू खाएं और लड्डू खाने के बाद दूध जरूर पी लें। किसी भी तरह अगर आप सुबह नहीं खा पा रहे हैं तो शाम को 5 से 6 बजे के आसपास भी ले सकते हैं, या फिर रात को सोने से 1 घंटे पहले भी इस लड्डू को खाया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लड्डू खाने के बाद दूध पीना है। अगर आपको दूध पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं, 1 कप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, और इसे लेने के आधे से 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दोस्तों, सिर्फ इस लड्डू को खाने से आपको इतने बेहतरीन फायदे मिलेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द है, बदन में हमेशा दर्द करता है, रात को सोते हैं तो पैरों में दर्द करता है, काफ पेन होता है, तो उसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा उन महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके शरीर में कमजोरी रहती है, काम पूरे दिन करते रहते हैं और काम करने की वजह से थक जाते हैं, उनको जरूर इस लड्डू को खाना चाहिए। इस लड्डू को खाने से आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी, आपके शरीर में थकान, आलस, कमजोरी नहीं आएगी। इसके अलावा इससे आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। शरीर में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी को बहुत ही जल्दी ये पूरा कर देता है, क्योंकि लड्डू दोस्तों कैल्शियम और प्रोटीन का खजाना है। कैल्शियम और प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए इस लड्डू को बनाया गया है। इसके अलावा जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, शरीर में काफी ज्यादा वजन बढ़ गया है, तो वे लोग भी इस लड्डू का सेवन कर सकते हैं। सुबह के समय 2 लड्डू खा लेंगे और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेंगे। इस तरह वे लोग ले सकते हैं जिनका वजन काफी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो लोग काफी दुबले पतले हैं, वे लोग जरूर दूध के साथ लड्डू का सेवन करेंगे। तो दोस्तों, आप बच्चों को भी दीजिए इस लड्डू को, बड़े बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, सभी लोग इस लड्डू को खा सकते हैं। ये पचने में आसान है और इसे खाने से आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। अगर घर पे कोई डायबिटिक है और उन्हें इस लड्डू को देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बगैर गुड़ का लड्डू बनाना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को हम गुड़ नहीं दे सकते हैं।
घर पे कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको गठिया हो गया हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, वे लोग भी इस लड्डू को खा सकते हैं। इस शरीर को गर्म रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स कर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।